आज हम बात करने जा रहे हैं सॉल्ट के ऊपर। मित्रों, नमक हमारी डेली डाइट का ऐसा हिस्सा है जो कि ना सिर्फ हमारे खाने को टेस्टी बनाता है, डाइजेस्टिबल बनाता है, बल्कि हमारी बॉडी के लिए भी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वैसे तो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के अनुसार बहुत सारे टाइप के नमक पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली मार्केट में हम दो या तीन तरह के नमक को ही जानते हैं। एक तो सेंधा नमक हो गया, जिसको कि रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, प्यूरो सॉल्ट और न जाने बहुत सारे नमकों से जाना जाता है, और एक है समुद्री नमक, सी सॉल्ट। उस सी सॉल्ट को जब प्रोसेस करके, पैकेज करके, आयोडाइज करके जब बनाया जाता है तो उसको फिर लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में। ये तो ये मोस्टली दो टाइप के नमक यूज होते हैं। लेकिन मित्रों, मार्केट में नमक को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, कोई कहता है कि आयोडीन युक्त नमक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, सेंधा नमक बढ़िया नहीं है। कोई कहता है सेंधा नमक ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश इस वीडियो में की जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के अंत में आपको यही पता लग जाएगा कि कौन सा नमक जो है आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और जितने भी मिथ जो है नमक को लेकर जो हमारे दिमाग में होते हैं, उन मिथ को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला जो मिथ है सेंधा नमक को लेकर कि वो हाई बीपी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, यूजफुल है। मित्रों, ऐसा नहीं है। किसी भी कोई भी नमक हो, ठीक है, चाहे सेंधा नमक हो चाहे आयोडीन युक्त नमक हो, उसकी मात्रा निर्भर करती है, उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है कि हाँ भाई वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी या खराब होगी। क्योंकि दोनों में जो है सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है, सोडियम की मात्रा जो है बहुत ज्यादा है, 98% जो है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है सेंधा नमक में भी। ठीक है, तो अगर उसकी ज्यादा मात्रा में अगर आप सेवन करते हैं तो वो आपको नुकसान ही देगा। ठीक है, और उसकी मात्रा सेवन करने की ये है कि अगर आपको हाई बीपी है तो आप उसको आधा चम्मच मैक्सिमम पूरे दिन के कुकिंग में आपको यूज करना है। ठीक है, और अगर नॉर्मल है तो 5 से 10 ग्राम मतलब आप कर सकते हो पूरे दिन के कुकिंग के लिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा आप करते हो तो आयुर्वेद में भी बहुत ज्यादा बीमारियां बताई हैं। नमक को ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हो तो सेंधा नमक से भी आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कि आपका बाल झड़ना, ठीक है, बालों का जल्दी वाइट टिश हो जाना, ठीक है, और आपके रिंकल्स जल्दी आना, ठीक है, और आपका दांत में प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है, टीथ डिसऑर्डर्स, और आपके साथ ही साथ जो आपकी गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम जो है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन पूरे शरीर में, जलन जैसा होना, ये सब बीमारी जो है आयुर्वेद में बताई गई है अगर आप ज्यादा नमक यूज करते हैं। ठीक है, और मॉडर्न वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि हाँ भाई जो ज्यादा अगर आप नमक यूज करते हो, चाहे कोई भी नमक हो, सोडियम की मात्रा अगर ज्यादा इनटेक करते हो तो आपको जो है हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम, हाई बीपी आज बहुत ज्यादा फैल रहा है, किडनी डिसऑर्डर, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती हैं। दूसरा कंफ्यूजन या मिथ कहने से ये भी है सेंधा नमक को लेकर कि हाँ भाई इसमें 84 से ज्यादा मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, ये लैब रिपोर्ट देखते हैं मित्रों, उसके बाद समझते हैं। इसमें देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, ठीक है, और ब्रोमीन है, इस तरीके से जिंक है, कॉपर है, ये सारे आपको ट्रेस मेटल्स भी दिख रहे हैं इसमें। तो ये इसकी लिस्ट जो है ये 90 तक जाती है। जी हाँ, वैसे तो कहने को इसमें 90 मिनरल्स जो है ये पाए जाते हैं, लेकिन मित्रों इन 90 मिनरल्स में से 45 इतने कम मात्रा में है, ठीक है, कि 0.001 ppm से भी कम मात्रा, और ये मात्रा इतनी कम होती है कि ये इसमें रहे या ना रहे वो हमारी बॉडी को नहीं लगने वाला। जी हाँ, तो बचे 45, बाकी 45 में से भी 20 के लगभग ऐसे मिनरल्स हैं इसमें, ट्रेस मेटल्स हैं, जो कि इससे ज्यादा आपको किसी भी जो आप खाते पीते हैं अनाज वगैरह और दाल सब्जियां जो लेते हैं उसमें आपको मिल जाते हैं। क्योंकि मित्रों जो हम सॉल्ट जो यूज करते हैं डेली डाइट में, ठीक है, उसकी मात्रा जो है 5 से 10 ग्राम ही होती है, इसलिए केवल 10 से 20 मिनरल्स ही ऐसे हैं इसमें जो कि आपके शरीर को लगेंगे। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक का नाम मैं बता देता हूँ आपको, जिसका नाम लिथियम है। वो लिथियम जो है जिनको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, टेंशन ज्यादा रहती है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया एक मिनरल्स है, ठीक है, वो आपको इससे मिलेगा। अगर आप 5-10 ग्राम भी लेते हैं तब भी आपको वो चीजें इससे मिल जाएगी, और बाकी अनाजों में उतना वो नहीं होता है। ठीक है मित्रों, हम दूसरी तरफ जब आयोडीन युक्त नमक को देखते हैं तो उसमें केवल आपका सोडियम क्लोराइड और आयोडीन होता है, बाकी कोई मिनरल उसमें नहीं होते हैं। और साथ ही साथ उसमें ये तीन चीजें जरूर मिलाई जाती हैं, एक स्टेबलाइजर होता है जो कि आयोडीन उसमें रहे, उड़ ना जाए, इसलिए डाला जाता है, ठीक है, सोडियम थायोसल्फाइड नाम का स्टेबलाइजर डाला जाता है। दूसरा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, क्योंकि जब ये सोडियम थायोसल्फाइड उसमें डाला जाता है तो उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड कंटेंट बढ़ जाता है, तो उसको हटाने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें ये डाला जाता है। उसके बाद फिर वो पत्थर जैसा ना बन जाए, ठीक है, फ्री फ्लो बनाने के लिए उसमें ये डेसिकेंट डाले जाते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा सिंथेटिक जो है उसमें डाली जाती हैं आयोडीन युक्त नमक में। लेकिन इसमें जो है सेंधा नमक में जो है ये सब चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, और साथ में 10 से 20 आपको मिनरल मिल जाएंगे।
ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन की तरफ कि क्या सेंधा नमक में आयोडीन है, और अगर है तो क्या वो सफिशियंट मात्रा में है। इस चीज को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर बाय चांस हम अगर यूज नहीं करते हैं नमक अपनी डाइट में, तब हमको कितना आयोडीन मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमको आयोडीन की जरूरत जो होती है डेली लाइफ में वो 120 से 150 माइक्रोग्राम के करीब होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर से हमको कितना मिलता है आयोडीन। तो जो पहाड़ी एरिया नहीं होते हैं जैसे कि दिल्ली हैदराबाद जैसे, वहां पर आयोडीन जो है वाटर में सफिशियंट मात्रा में होता है, तो लगभग लगभग 44 माइक्रोग्राम आपको मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप दूध की नंबर आते हैं, आप क्या सोचते हैं दूध में आयोडीन नहीं, मित्रों दूध में आयोडीन नहीं होता, लेकिन जहां वो प्रोसेस करते हैं वहां पर आयोडोफोर नाम के केमिकल से जो है उसको सफाई की जाती है उस कंटेनर की, तो उसके कारण जो है दूध में आयोडीन की मात्रा जो है वो मिल जाती है, ऐसा रिसर्चेस कहती है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि 75 से 120 माइक्रोग्राम के करीब दूध में आयोडीन पाया जाता है अलग अलग ब्रांड के दूध में। ठीक है, और उसका जब हमने एवरेज निकाला 97.5 निकला, उसका 70% हमने लिया तो 68 माइक्रोग्राम जो है आपको मिलता है दूध से। ठीक है, 70% हमने इसलिए लिया क्योंकि जब आप दूध को उबालेंगे तो उसमें से भी आयोडीन लॉस होता है इसलिए। ठीक है, अब आते हैं आपके तीसरे कुकिंग फूड की तरफ। जी हाँ, जो हम खाना जो पकाते हैं अगर उसमें हम नमक ना डालें, तब वैज्ञानिकों ने शोध किया कि कितना मात्रा में आयोडीन उसमें रहता है, तो वो हम देखते हैं कि लगभग लगभग 35 माइक्रोग्राम उसमें भी रहता है। ठीक है, अब इन तीनों को जब हमने जोड़ दिया, ठीक है, इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा आया 140 माइक्रोग्राम। तो मित्रों आप ये हम यहाँ देख रहे हैं कि 120 से लेकर 150 माइक्रोग्राम के बीच में हमको चाहिए होता है एडल्ट को, और 140 तो हमको ऐसी डाइट से मिल रहा है विदाउट सॉल्ट। ये सबसे बड़ी यहाँ देखने की बात ये है, और फिर हमको बताया जाता है कि आयोडीन की जो है कमी रहती है। ठीक है, आते हैं सेंधा नमक की तरफ। मैं तो जैसे कि अभी लैब रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें दिखा रहा है कि लेस देन 0.1 ग्राम पर केजी। जी हाँ मित्रों, अगर हम इसका आधा भी मान लें, ठीक है, तो इसका मतलब 50 mg पर केजी हमको मिलता है, और हम लेते हैं कितना है 5 से 10 ग्राम, तो 5 से 10 ग्राम के लिए ये मात्रा लगभग लगभग 250 माइक्रोग्राम से लेकर 500 माइक्रोग्राम तक जाती है। ठीक है, जो कि मिनिमम अमाउंट से बहुत ज्यादा है आयोडीन इसमें सेंधा नमक में। ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, अगर आप सेंधा नमक खा रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर इसको खा सकते हैं। और जो फायदे आपको आयोडीन युक्त नमक में नहीं मिल सकते मिनरल्स वाले, वो फायदे भी आपको इसमें मिल जाएंगे मिनरल्स के। ठीक है, तो लोग कहते हैं इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो मित्रों मैं आपको एक बार बताया, तो अगर आप ऑनलाइन नहीं जाते हैं, डिटेल में अगर आप लेते हैं तो 50 rupees से लेकर इसका प्राइस 80-90 तक अभी चल रहा है। अगर आप 10 ग्राम भी अगर आप दिन में लेते हैं तो आपको एक महीने में कितना पड़ा 300 ग्राम, और 300 ग्राम का कॉस्ट लगभग लगभग 30 रुपये पड़ा आपको महीना, मतलब दिन का आपको 1 रुपये पड़ता है। अगर आप 1 रुपये भी खर्च कर सकते हैं दिन में तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में हमने जाना सेंधा नमक और दोनों नमक में कौन सा डिफरेंस है और कौन सा नमक बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो या आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू मित्रों, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।